हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी। लाइव स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एसपीयू मंडी, जिसका भी रिसेंटली पेपर हुआ था 20 अक्टूबर को, उसकी आज ऑफिशियल आंसर की आ गया, तो उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आज फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजोल्विंग बग्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, अगर हम बग्स या फिर एरर्स को फाइंड करते हैं और उसको रिमूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिबगिंग। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आंसर भी साथ में दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट आंसर ही करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रिसीविंग डाटा फ्रॉम रिमोट सर्वर सच एज एफटीपी और वेब सर्वर। ठीक है, यहाँ मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से या फिर वेब सर्वर से हम क्या करते हैं, एक डाटा रिसीव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। फिर लिखा था, व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए क्या शॉर्टकट होती है हमारे पास, शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डुप्लीकेट अ स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। अब मुझे स्लाइड को डुप्लीकेट करना होगा, तो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने, द प्रोसेस ऑफ एम्फेसाइज द थ्री डायमेंशन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, किसी थ्री डायमेंशन मतलब एम्फेसाइज करना है किसी थ्री डी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं सिंपली, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डिटेल स्टेप रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रोग्राम। ठीक है, प्रॉब्लम सॉरी, या फिर प्रोग्राम। अब यहाँ पे लिखा था इन्होंने ग्राफिकली, तो ग्राफिकली हमें पता है, हम जब भी किसी चीज को ग्राफिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किसी प्रोग्राम को ग्राफिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट लिखा था इन्होंने, इन एम एस पावर पॉइंट फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ कनेक्शन फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर और कनेक्शन टू अ वेब पेज। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड, या फिर एक कनेक्ट करना है हमें एक पेज को दूसरे पेज पे, मतलब वेब पेज को, है ना। तो उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। तो ये सिंपली आएगा अपना फर्स्ट ही करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, द नंबर ऑफ पैकेट पासिंग थ्रू अ नेटवर्क। ठीक है, कि मतलब एक नेटवर्क में कुछ यूनिट ऑफ डाटा पास हो रहा है, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, तो उस टाइम को हम बोलते हैं थ्रूपुट। ठीक है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा था उन्होंने, व्हाट इज द गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो कौन सा बनाया है, विंडोज। फिर नेक्स्ट लिखा था, व्हाट इज बी टू बी। बी टू बी क्या होता है, हमारा एक बिजनेस टू बिजनेस कोई ई कॉमर्स डील होती है। ठीक है, मान लो एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को के साथ क्या किया, कोलेबोरेट करके कुछ मतलब समथिंग, मतलब अपने प्रोडक्ट परचेज किए या फिर बेचे। नेक्स्ट आगे हमारे पास, द फीचर ऑफ एम एस वर्ड दैट हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट बाई डिवाइडिंग देम इंटू सेवरल सब डॉक्यूमेंट। अब हो रहा हो मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे एक बड़ा डॉक्यूमेंट होगा, उसको हमने क्या करें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसको हम कहाँ पे जाके कर सकते हैं, मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर जाके। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था उन्होंने, इन एम एस एक्सेल टू कॉपी सीरीज ऑफ वैल्यू। अब बोल रहा है कि मैंने कॉपी की सीरीज सीरीज इन वैल्यू ऑफ रो, कि रो की मैंने वैल्यू कॉपी करी, रो से मतलब डाटा कॉपी किया और उसको कॉलम के फॉर्मेट में प्रिंट कर दिया सिंपली, है ना, या फिर पेस्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब भी हम रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, उसको होते हैं ट्रांसपोज करना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेस्ट स्पेशल के अंदर ट्रांसपोज। नेक्स्ट आ गया द फास्ट टैग। ठीक है, जो फास्ट टैग हमारे गाड़ियों के ऊपर लगता है, उसमें बोला है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है वहां पे, है ना, तो कौन सी होती है, RFID। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, फिलिंग द ब्लैंक इन IT इज द प्रोसेस ऑफ माइग्रेटिंग अ सिस्टम दैट इज ऑपरेशनल एंड एक्टिव विदाउट पावरिंग सर्वर डाउन। ठीक है, अब बोलने का मतलब है कि मैं करता हूँ किसी सर्वर्स को क्या करता हूँ, मतलब अपने सिस्टम को माइग्रेट करता हूँ एक जगह से दूसरी जगह जगह लेकर जाता हूँ, है ना। और उस टाइम पर भी क्या होता है कि जो सिस्टम होता है वो ठप मतलब बंद नहीं होता एक तरह का, वो एक्टिव ही रहता है, तो उसको हम बोलते हैं हॉट माइग्रेशन। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज MUD। MUD की फुल फॉर्म पूछी है डाटा कम्युनिकेशन में, इसको बोलते हैं मल्टी यूजर डायमेंशन। फिर नेक्स्ट आ गया, इन एमएस एक्सेल व्हिच ऑप्शन इज यूज टू रिपीट द कॉलम हेडिंग ऑन टॉप ऑफ ईच प्रिंटिंग। तो टॉप ऑफ ईच प्रिंटिंग के अगर हेडिंग को मुझे रिपीट करना, तो हम यूज करते हैं प्रिंट टाइटल्स का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट लिखा था उन्होंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू एड ब्लैंक सेल्स अबव द सिलेक्टेड सेल। अब मुझे ब्लैंक सेल्स को अगर ऐड करना, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट सेल डाउन करेंगे, तो ब्लैंक सेल क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था उन्होंने, इन एम एस वर्ड
टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स विच ऑप्शन डिसाइड वेदर टू हैव ब्लैंक स्पेस डॉट डैशेज और सॉलिड लाइन बिटवीन द हेडिंग एंड पेज नंबर्स। तो ये किसमें मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं टैब लेडर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आया था, फिल द ब्लैंक टैग इन एचटीएमएल इज यूज्ड टू क्रिएट अ डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, डीएल टैग का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड होगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, फिल इन द ब्लैंक इज अ मेजर ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस यूजफुल इन फील्ड ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटेशन दैट रिक्वायर फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन। तो फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लॉप्स का, ठीक है। फ्लोटिंग, इसके फ्लॉप्स की परफॉर्म भी ये होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट आगे, फिल इन द ब्लैंक टूल्स प्रोवाइड मल्टी डायमेंशनल समराइज्ड व्यू ऑफ बिजनेस डाटा एंड आर मेनली एम्ड एट इंटरेक्टिव रिपोर्ट जनरेटिंग अकॉर्डिंग टू यूजर्स प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, इसको हम बोलते हैं ओलैप बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। ये क्या हमारा एक मल्टी डायमेंशनल, इसको हम डाटा स्ट्रक्चर ही बोल सकते हैं, एक तरह का जो हम बेसिकली पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं डाटा माइनिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो उसके अंदर आता है ये ओलैप। नेक्स्ट आगे, फिल इन द ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ बिजनेस टूल दैट आर असेंशियल फॉर ग्रोथ कॉमा इन एरिया सच एज कम्युनिकेशन कॉमा मैनेजमेंट क्लाउड सोर्सिंग। ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ मिलती है, एक सूट के अंदर मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे सूट क्या है हमारा, जी सूट बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें ये सारी की सारी चीजें हमें मिलती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द पॉपुलर बिग डाटा टूल रिलीज्ड बाय अपाचे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली बोला है कि बिग डाटा टूल कौन सा है हमारे, अपाचे का। तो वो कौन सा हमारा, हैडूप। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट लिखा था, इन एमएस वर्ड विच टैब कंटेन कमांड फॉर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपली फॉर्मेटिंग टेक्स्ट करना है मुझे, एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, एडिट भी कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट को, सच एज क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, कट कॉपी एंड पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट हमें कौन सी टैब में मिल जाती है, होम टैब के अंदर। और ग्रुप पूछा तो कहाँ मिलते हैं हमें, क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने, फिल इन द ब्लैंक्स इज द मेन कंपोनेंट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मेन कंपोनेंट क्या होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, कर्नल, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा लिनक्स कर्नल। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन पीडीए, ठीक है। पीडीए मतलब, अब सिंपली कोई भी ऐसा डिवाइस जो हैंड हेल्ड, इसको हम इजी टू कैरी है, उसको बोलते हैं सिंपली पीडीए, ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब ये बोल रहा है इनमें से कौन सा है जो पीडीए मतलब फॉर्मेट में है, तो सिंपली हमारा जो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये क्या था हमारा, पीडीए बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उन्होंने, इन एमएस पावर पॉइंट फिल इन द ब्लैंक कंटेन द स्लाइड डिफॉल्ट सेटिंग फॉर कलर कॉमा बुलेट, फिर लिखा है टाइप्स एंड ग्राफिक्स। तो ये सारी सारी हमें कहाँ मिलती है चीजें, टेम्पलेट में। तो पहले सारी चीजें क्या होती हैं, बाय डिफॉल्ट ही डिफाइन होती हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है, विच जनरेशन कंप्यूटर वर आईबीएम सीरीज एंड एप्पल, ठीक है। यहाँ पे बोला है दो कंप्यूटर को मेंशन किया है, वहां पे आईबीएम भी आ रखे थे और एप्पल भी आ रखे थे, ठीक है। तो ये कब आए थे, ये आए थे हमारे फोर्थ जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टू प्रिवेंट एमएस एक्सेल फ्रॉम चेंजिंग द सेल रेफरेंस, ठीक है। अब सिंपली इसका मतलब है कि मुझे रोकना है कि मेरा जो सेल रेफरेंस है वो चेंज ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। तो एब्सोल्यूट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डॉलर का। तो यहाँ पे सिंपली ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आता। फिर नेक्स्ट आ गया, इन एमएस एक्सेल फिल इन द ब्लैंक्स इज अ रेंज ऑफ सेल। अब यहाँ बोला कि रेंज ऑफ सेल्स है, ठीक है। रेंज ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे, सिंपली एरे बोलेंगे, है ना। वेयर द लुकअप वैल्यू यू वांट टू रिटर्न, जहां पर मुझे करना है लुकअप वैल्यूज को रिटर्न करवाना है, तो वो सिंपली आ जाता हमारा टेबल का एरे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, इन एमएस एक्सेल की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू डिस्प्ले द फॉर्मूलाज एंटर्ड इन अ सेल, ठीक है। तो फॉर्मूला एंटर्ड इन सेल को चेक करने के लिए हम यूज करें कंट्रोल की प्लस जो ये ऊपर सिंबल होता है, इसको यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हेन आईबीएम पीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पे बोला कि जो आईबीएम की पीसी जब इंट्रोड्यूस हुए थे, तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसमें यूज हुआ था वो कौन था, हमारा एमएस डॉस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन एमएस पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज डिस्प्ले द स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन दैट आर डिस्प्लेड एज थंबनेल सो दैट यू कैन इजिली रीऑर्गेनाइज देम एंड अप्लाई ट्रांजिशन एंड टाइमिंग। तो यहाँ पे सिंपली जब हम और रीऑर्गेनाइज या फिर ट्रांजिशन अप्लाई करना, तो हम कहाँ भी आते हैं, स्लाइड सॉर्टर के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, द फिलिंग द ब्लैंक्स फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक, स्पेल चेकिंग के लिए कौन सा होता है हमारा, F7, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या था हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था उन्होंने, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द डिवाइस दैट गिव यू सर्ज प्रोटेक्शन एंड पावर बैकअप ड्यूरिंग अ पावर आउटेज, ठीक है। तो
यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, बैकअप पावर सप्लाई क्या यूज करते हैं, यूपीएस, जिसको हम बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सोर्स या फिर सप्लाई। फिर नेक्स्ट लिखा है, इन एमएस वर्ड फिल इन द ब्लैंक, डॉक्यूमेंट व्यू शोज द इंटायर पेज द यूजर इज वर्किंग ऑन, इंक्लूडिंग मार्जिन, हेडर एंड इनफुटर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ बोला ऐसा कौन सा व्यू होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। तो हमें पता है, हम जब प्रिंट लेआउट व्यू पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी चीजें हमें वहां पे डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन नंबर डी होता करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है, टू प्रोसेस लार्ज ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब मान लो कि 100 बंदे क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, है ना, 100 बंदों ने अपनी ट्रांजेक्शन लगा दी। तो वहां पे बोल रहा है कि उसके बाद यूजर की इंटरेक्शन खत्म होती है, जैसे यूजर ने अपने कमांड दी तो यूजर की इंटरेक्शन खत्म होगी, पर वो जाते ही कमांड एग्जीक्यूट तो होगी, तो एग्जीक्यूट कहाँ पे होगी, उनको हम डाल देते हैं बैच के अंदर। ठीक है, तो वही चीज पूछा है, जब टू लार्ज टू प्रोसेस लार्ज ट्रांजेक्शन दैट कैन रन विदाउट एंड यूजर इंटरेक्शन। ठीक है, यूजर ने अपना काम खत्म कर दिया, अब यूजर की इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम उसको किस में डाल देते हैं, या तो उसको जॉब पूल के अंदर डाल देते हैं, मतलब पूल सिंपली एक ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पे अंदर यूजर की जितनी भी कमांड्स होंगी वो आएंगी सिंपली। ठीक है, जो यूजर को जो जो प्रोसेस करवाना होगा वो सारा उसके अंदर आ जाएगा। तो इस टर्म को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। फिर लिखा है, कबोल किसने डिवेल्प की थी, है ना, हु डिवेल्प द कंप्यूटर लैंग्वेज कबोल, तो ये किसने थी, ग्रेस होपर ने। फिनेस आ गया, टू फॉरवर्ड द ईमेल। ठीक है, अब मुझे ईमेल को एज एन अटैचमेंट सेंड करना है किसी सेकेंड पर्सन को, है ना, मुझे किसी बंदे ने ईमेल भेजा, ठीक है, उसमें मान लो कोई पीडीएफ थी और मुझे उसको सेंड करना था किसी और पर्सन को। अब ये बात करें आउटलुक की, एमएस आउटलुक की। ठीक है, तो उसमें मुझे कौन सा ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तो मैं सिंपली मोर पे क्लिक करूंगा और वहां पे फॉरवर्ड एज अटैचमेंट पे क्लिक करूंगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, इन एमएस एक्सेल एनी टू सेल लोकेशन सेपरेटेड बाई कोलन। ठीक है, अब कोई भी दो एक लोकेशन होगी जिनको हम कोलन के हेल्प से सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली उसकी सेल की रेंज। ठीक है, जैसे A1 कोलन, फिर मैं D1 कर लेता हूँ, तो A1 से D1 तक जितने भी सेल्स होंगे वो क्या होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो क्या आती है, सेल की रेंज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन अंडर द इंसर्ट मेनू इन एमएस वर्ड इज यूज टू क्रिएट बेसिक वेन डायग्राम। ठीक है, अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम वेन डायग्राम वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं, फिर बना सकते हैं, तो हम सिंपली जाएंगे स्मार्ट आर्ट के अंदर। ठीक है, वर्ड के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, वहां पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट आर्ट करके, वहां पे हम ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो और जब हम चार्ट ऐड कर सकते हैं, वेन डायग्राम के लिए हम सर्कल वगैरह ऐड कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे सिंपली हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं। जब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। अब स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर सिंपली यहां से लग रहा है, बता क्या बात कर रहा है, वो बूटिंग की। फिर नेक्स्ट आ गया, अ स्मॉल पेन शेप्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब एक पेन की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हम हेल्प से हम क्या करते हैं, लिखते भी हैं, ड्रॉ भी करते हैं और किसी चीज को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइलस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सैमसंग के जो फोन आते हैं, है ना, नोट वगैरह, ठीक है, उसके साथ जो एक छोटा सा पेन मिलता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फोन पे भी लिख सकते हैं, है ना, उसको स्टाइलस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन एमएस एक्सेल टू प्रिंट ऑल द वर्कशीट इन वर्कबुक एट वन टाइम। ठीक है, तो उसके लिए हम, अगर मुझे मल्टीपल वर्कशीट्स को प्रिंट करना है एक ही टाइम पे, तो सिंपली मैं सभी को थोड़ा अलग अलग प्रिंट करूंगा, मैं क्या करूंगा, वर्कबुक को ही प्रिंट कर लूंगा, क्योंकि हमें पता है वर्कबुक क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होती है, तो अगर मैं वर्कबुक को प्रिंट करूंगा तो सारी ऑटोमेटिकली जितनी भी उसके अंदर वर्कशीट्स होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट आ गया, द सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट प्रिवेंट एंड एक्शन अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस। तो वायरस के अगेंस्ट कौन काम करता है, एंटीवायरस। फिर नेक्स्ट लिखा है, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है, 8 होता है। फिर नेक्स्ट लिखा है, अ टाइमलाइन वेयर यू कंट्रोल द इमेजेस एंड साउंड। इमेजेस और साउंड हम कहां पे कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लैश के अंदर सिंपली। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आता है करेक्ट। फिर नेक्स्ट आ गया, इन एमएस वर्ड द फिल इन द ब्लैंक एट बॉटम ऑफ विंडो शो द स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट। अब स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट कौन दिखाता है हमें, हमारी स्टेटस बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द शॉर्टकट टू जस्टिफाई अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। तो जस्टिफाई के लिए कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस जे। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक अलाउ यूजर टू क्रिएट। ठीक है, यूजर किसकी हेल्प से टीसीपी और यूडीपी का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है या फिर बना सकता है ना, तो ये हम कमांड पढ़ते हैं नेट कैट करके। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टीसीपी और यूडीपी का कनेक्शन बना सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट आ गया, द एमएस वर्ड ऑप्शन दैट अलाउ यू चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, अगर कोई टेक्स्ट है इसके पीछे का मुझे कलर चेंज करना है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हम करते हैं शेडिंग की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आता है करेक्ट आंसर। यहाँ पे लैन की फुल फॉर्म पूछी थी, लैन की फुल फॉर्म क्या आती है, लोकल एरिया नेटवर्क।
फिर उसके बाद पूछा था डॉट नेट। डॉट नेट एक्चुअली पूछा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। डॉट नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट पूछा है कि कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे इनपुट डिवाइस करेक्ट आंसर आता है। फिर नेक्स्ट लिखा है फिल इन द ब्लैंक इज अ मॉड्यूल दैट कंटेन फंक्शंस एंड डाटा दैट कैन बी यूज्ड बाय अनदर मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा है कि मॉड्यूल मतलब एक ऐसा सेट ऑफ फंक्शंस होंगे जो क्या करेंगे, हम एक बार बना देंगे, एक बार जैसे मैंने बना दिया तो मल्टीपल फंक्शन उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आता है हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया इन एमएस वर्ड फिल इन द ब्लैंक आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड विद इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अगर मुझे मतलब कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने डॉक्यूमेंट के बारे में, तो हम क्या सिंपली ऐड करते हैं, फुट नोट या फिर एंड नोट, ठीक है। तो फुट नोट कहाँ हम ऐड करते हैं, फुट नोट ऐड करते हैं हम हर जो हमारा डॉक्यूमेंट का एक पेज होगा उसके लास्ट में हम ऐड करते हैं फुट नोट। और एंड नोट हम कहाँ ऐड करते हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट का लास्ट होता है, ठीक है। अब हमें पेज की बात नहीं की है, सिंपल अगर एक पेज के लास्ट में हम कोई चीज ऐड करते हैं उसको फुट नोट बोलेंगे, और हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में ऐड करेंगे तब हम उसको बोलेंगे एंड नोट। फिर सिंपली उन्होंने पूछा था रैम की फुल फॉर्म, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके अलावा उन्होंने बोला था कि इन एमएस पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज विल डिस्प्ले ईच स्लाइड एट द टॉप ऑफ पेज वेयर यू कैन ऐड स्पीकर नोट। तो स्पीकर नोट हम कहाँ ऐड कर सकते हैं, नोट्स पेज के अंदर जाके, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाता है करेक्ट। फिर देखा है व्हाट इज यूनिकोड, यूनिकोड स्टैंड फॉर यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड। फिर यहाँ पे एमकेवी, ठीक है, जो एक वीडियो का फॉर्मेट है, उन्होंने पूछा था कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो एमके की फुल फॉर्म होती है मेट्रोस का मल्टीमीडिया कंटेनर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आता हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट लिखा था कि जो हमारा फर्स्ट सर्च इंजन था जिसको बनाया था एलन एमटेज ने 1990 में, उसको उसका क्या नाम था, सिंपली ना उसका नाम था आर्काई करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आता हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था इन एमएस पावर पॉइंट फिल इन द ब्लैंक की इज यूज्ड टू एंड द प्रेजेंटेशन। अगर मुझे प्रेजेंटेशन को एंड करना है तो हम क्या यूज करते हैं, एस्केप का सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक ऑथेंटिकेशन टेक्निक इज यूज्ड बाय बैंक टू रिड्यूस साइबर अटैक। अब साइबर अटैक को खत्म करने के लिए अब क्या यूज करते हैं हम, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया इन एमएस वर्ड कवर पेज ऑप्शन इज अवेलेबल। कवर पेज कहाँ मिलेगा हमें, पेज ग्रुप के अंदर सिंपली। तो इंसर्ट के अंदर हम जाएंगे पेज ग्रुप के अंदर, तो वहां हमें ये ऑप्शन मिलता है। फिर नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक इन्वॉल्व डेलीगेटिंग एन एंटायर बिजनेस प्रोसेस सच दैट कॉल सेंटर डायरेक्ट मार्केटिंग और टेली मार्केटिंग टू एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर लीविंग द कंपनी फोकस ऑन इट्स कोर बिजनेस। अब इसके बोलने का मतलब क्या है, जो माई मेन कंपनी होगी वो अपने जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर काम करेगा। इसके अलावा अगर यूजर की कोई रिक्वायरमेंट होगी, कुछ उसको काम करवाना है, अगर उसको मार्केटिंग करवानी है ना अपने प्रोडक्ट की कंपनी को, तो वो सारा का सारा काम किसी और कंपनी को हायर करके उससे करवाएगी, है ना। तो इस चीज को हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास व्हाट डज अ सर्कल इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर सर्कल क्या होता है, हमारा एक कनेक्टर होता है सिंपली, ठीक है, जो दो चीजों को कनेक्ट करता है कि इसके बाद क्या चलेगा, ये चीज चलेगी। फिर नेक्स्ट आ गया इन एमएस वर्ड द ऑप्शन यूज टू सेव डॉक्यूमेंट अंडर अ डिफरेंट नेम, ठीक है। और मुझे एक डॉक्यूमेंट को सेव करना है दूसरे नाम से, तो हम क्या यूज करते हैं, सेव एज का। फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इन डिस्प्ले प्रॉपर्टी हाइड द एलिमेंट फ्रॉम वेब, ठीक है। अब मुझे एलिमेंट को हाइड करना, तो हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले नन, सिंपली हम क्या यूज करेंगे, नन का। फिर नेक्स्ट आ गया विच शॉर्टकट की विल शट डाउन योर कंप्यूटर। शट डाउन के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, हमारी अल्ट प्लस F4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास व्हेन टेबल स्प्रेड अक्रॉस वन देन अ पेज इन एमएस एक्सेल विच ऑप्शन कैन बी यूज टू ऑटोमेटिकली रिपीट द फर्स्ट रो। अगर मुझे फर्स्ट रो को रिपीट करवाना है बार बार, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंपली हम क्या ऑप्शन पे जाएंगे, रिपीट रोज हेडर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया द यूनिकॉर्न, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश की स्टार्ट हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था द यूनिकॉर्न इज फिल इन द ब्लैंक्स फेबुलस एनिमल। तो यूनिकॉर्न क्या है, यूनिकॉर्न इज अ फेबुलस एलिमेंट, ठीक है, एनिमल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे पूछा था कि यहाँ पे करेक्ट वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर था। फिर नेक्स्ट लिखा था यहाँ पे हमारे हारमोनी का जो अपोजिट था, ठीक है, यहाँ पे थर्ड आंसर करेक्ट है, क्लैश। फिर यहाँ पे एक और फिल इन द ब्लैंक्स लिखा था कि माई फ्रेंड्स फादर, ठीक है, यहाँ पे एक और लिखा था कि माई फ्रेंड्स फादर फिल इन द ब्लैंक अ बाइक फॉर हिम, ठीक है। तो यहाँ पे आना था विल बाय अ बाइक फॉर हिम। फिर
फिनेस लिखा था चूज अ गिवन ऑप्शन फ्रॉम अ गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है। यहाँ पे सिंपली बोला था कि एक वर्ड दे रखा है तो उसका जो बेस्ट निकलेगा उसको मुझे बताओ यहाँ पे, तो उसका क्या आएगा हमारा इकोनॉमिकल, ठीक है यहाँ पे आंसर। फिर यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे सिंपली बोला था, यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा था सिंपल, क्या मतलब इसकी जगह बोला था कि इसकी जगह क्या करेक्ट आना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट इन्होंने दे रखा था कि यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज करनी है, अ पर्सन हैज टू, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हैज के आगे टू आ जाना था, तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर था। फिर यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ दे रखा था इंग्लिश में, तो इस पैराग्राफ को पढ़ के ये इजी था, इसको सिंपल हम सॉल्व आंसर निकल सकते थे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे जो जनरल एबिलिटी थी उसके कुछ क्वेश्चन थे, पहले रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसके अलावा फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये तो मैथ्स का क्वेश्चन आया था रेशियो वगैरह का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ये फिर से हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन था एक, ठीक है। उसके बाद ये फिर से हमारा रीजनिंग के जो हमारे आंसर साथ में लिखे उन्होंने, फिर उसके बाद ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन था सिंपल, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह का, तो यहाँ पे 212 इसका आंसर निकला था। फिर उसके बाद हमारा रीजनिंग का एक और क्वेश्चन था, फिर उसके बाद हमारा मैथ का सिंपल क्वेश्चन था, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे। फिर उसके बाद ये हमारा रीजनिंग का था क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे हमारे रीजनिंग के पार्ट है। फिर उसके बाद ये हमारा फिर से एक मैथ्स का क्वेश्चन आ गया था कि एक बंदा इतने दिन में काम करता है, दूसरा बंदा अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आ रखे थे। फिर उसके बाद हमारा जो ये था जीके का पोर्शन आ गया, ठीक है, जीके में पूछा था कि जून के महीने में, ठीक है, ये सारे फेस्टिवल के नाम दे रखे थे, ठीक है, शुनशुर, जयमूर, की, कंदाग, ठीक है, ताबो, तो ये सारे पूछा था कि ये मतलब कहाँ पे मनाया जाता है, कौन सा मतलब ऐसा मेला जो ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा शेचू मेला। फिर नेक्स्ट पूछा था उन्होंने करंट अफेयर का कि जो हमारा सितंबर 2022 में जो हिमाचल गवर्नमेंट ने कैबिनेट में मतलब जो बच्चों को मतलब वो चाइल्ड एडॉप्शन के लिए लीव प्रोवाइड की थी वो कितने कितने दिन की थी हमारी, 180 डेज की। फिर नेक्स्ट पूछा था उन्होंने कि एक मतलब वॉर पूछी थी जो हमारे अंग्रेज और ईस्ट इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और जो हमारे सिख थे उनके बीच में हुई थी, ये कब हुई थी, 1846 में। फिर नेक्स्ट कुल्लू का पूछा था उन्होंने, ठीक है, पूछा था कि जो फर्स्ट बैसाखी के दिन मनाया जाता है कोंकण विलेज में तो वो कौन सा है, मतलब त्यौहार कौन सा है, उसको बोलते हैं शमशी। फिर नेक्स्ट उसके बाद पूछा था उन्होंने कि जो हमारा मणिमहेश झील है वो कहाँ पे है, वो थी हमारी चंबा में। उसके अलावा उन्होंने पूछा था कि वो कौन सा ऐसा मतलब, ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से लगती है ना, तो सिरमौर किसके साथ अटैच है, मतलब सिंपल पूछा है, तो वहाँ उत्तराखंड आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट आ गया कि सांगला घाटी का दूसरा नाम क्या है, बसपा घाटी, वो पूछा था। इसके अलावा करंट अफेयर पूछा था कि हाल ही में जो यूएसए मतलब इंडिया यूएसए का जो वो था ना युद्ध अभ्यास हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ बज्रहरा, बज्रहावत, सॉरी बज्र प्रहार बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट आगे हमारा जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसका अभी मतलब नया नाम तो कांगड़ा है पर इससे पहले इसका क्या नाम था, नगर कोट था, तो वो उसका बारे में पूछा था। फिर उसका पूछा था कि लास्ट क्वेश्चन है कि जो जसमा रियासत थी, ठीक है, वो किस मतलब राजा की थी, मतलब सिंपली वो पूछा है कि किसने उसको बनाया था या स्थापना किसने की थी, तो थे हमारा राजा पूर्वचंद। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।